Hey everyone, welcome back to my channel, and if you're new to this channel, hi, my name is Preeti Bagdia and I make videos on skincare, makeup and fashion related tips, so welcome to my channel. So as the title suggested, today I'll be doing my night skincare routine and I will show you what I use for product for night skincare. Ke liye. So as you can see, I have makeup on right now, so it's time to wash it all down. So for removing my makeup, I'm using this Parachute Coconut Oil. The reason, first reason is my remover khatam ho gaya, isliye main ise use kar rahi hu. And second reason ye hai ki koi bhi oil based jo bhi cleanser hota hai makeup remove karne ke liye, wo aapki skin ke liye bahut zyada acha hota hai, kyunki wo aapki skin ko moisturize bhi rakhta hai aur dry nahi hone deta. Aur mera skin combination skin hai, to mujhe waisa hi product use karna hai jo meri skin ko pura dry bhi nahi hone de aur pura oily bhi nahi rakhe. और कोकोनट ऑयल एक और चीज़ के लिए भी अच्छा होता है, जो आपके पिंपल्स और एक्ने मार्क्स वगैरह होते हैं उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है. तो माय सेकंड प्रोडक्ट इज न्यूट्रीजिना डीप क्लीन फोमिंग क्लेंजर. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट इन नाउ. इसका स्मेल, इसका टेक्सचर, ये जिस तरीके से क्लीन करता है, एवरीथिंग इज सो नाइस. मतलब आई थिंक मैं ये दोबारा खरीदने वाली हूँ. माई थर्ड प्रोडक्ट विल बी, इसका कुछ दिन में रिव्यू आने वाला है. ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ये फेस वॉश, क्योंकि मैं इसे डेली यूज़ कर रही हूँ. अभी एक महीना ऑलमोस्ट होने वाला है इसको यूज़ करते करते, एंड इसका रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. सो मेरा और मेरा लास्ट प्रोडक्ट होगा फेस स्क्रब, वो भी एम कैफिन का ही, और ये मैं हफ्ते में दो बार ही यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत बचा हुआ है. उसके बाद क्रीम टोनर वगैरह में मैं एज अ टोनर यूज़ कर रही हूँ गुलाब जल बाई श्री श्री, और इसमें मैंने टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी डाला हुआ है. इसी आप अपने कोई भी गुलाब जल में अगर आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल दो तीन ड्रॉप डाल सकते हो, उससे फिर एवरी टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो. तो एज अ टोनर मैं भी ये यूज़ कर रही हूँ. इसके पहले मैंने न्यूट्रीजिना का टोनर मंगवाया था, बट वो मुझे कुछ खास सूट नहीं किया. और माई नाइट क्रीम विल बी हिमालया का नाइट क्रीम. आई एम यूजिंग दिस हिमालया नाइट क्रीम. ये मुझे पड़ा है 250 में, पड़ा है इसका मार्केट प्राइस 260, बट नायका में आपको हर चीज़ कभी ना कभी हमेशा डिस्काउंट में ही मिलते रहता है. तो फिलहाल के लिए मुझे मिला है 250 में, और ये क्रीम मुझे काफ़ी सूट किया. मतलब अभी फ़िलहाल मैं नाइट क्रीम मैं और कोई यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये एक साल हो गया है मैं कंटिन्यू इसे यूज़ कर रही हूँ. मुझे इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा लगा. नेक्स्ट डे जब आप उसको उठते भी हो, तो आपका स्किन बहुत ही ग्लोइंग और सॉफ्ट आपको फील होगा अगर आप ये यूज़ करते हो. सो आई वुड रिकमेंड दिस क्रीम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैंने क्लेंजर से मुंह धो लिया है और ऑलमोस्ट मेरा सारा मेकअप निकल चुका है. नाउ इट्स टाइम फॉर दी फेस वॉश. आई एम डन विथ माई फेस वॉश. नाउ इट्स टाइम फॉर फेस स्क्रब. So I'm done with cleaning my makeup and cleaning my face. So अब time है toner का. मैंने इसमें आपको बोला कि मैंने टी ट्री एसेंशियल ऑयल दो ड्रॉप मिलाया है, और मैं इसे बस शेक करके अपने फेस पे डाल, इसे बस हल्का सा अपने स्किन पर डाप कर लेती हूँ. Now I let it dry. अब मैं यूज कर रही हूँ हिमालय का नाइट क्रीम. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब.
subscribe to my channel and comment down below what you want in my next video. And please share it also as much as you can. And see you in my next video. Bye. Good night.